दिल्ली के जल संकट की भी कर लेते हैं, जिस पर सियासी जंग जबरदस्त तरीके से छिड़ी हुई है। पानी की किल्लत के मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सड़क पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली से बीजेपी के सभी 7 सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेंगे, तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी ने दिल्ली में कई इलाकों में पानी न आने पर जगह जगह मटका फोड़कर प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन आज भी बदस्तूर जारी रहने वाला है। कल अलग अलग 14 जगह चुनी गई थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सातों सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। बकायदा मटका यहां पर फोड़ा गया था, प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई थी और आज एक बार फिर से यहां यही देखने को मिलने वाला है। प्रशांत चुरे मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस वक्त आप पांडव नगर में मौजूद हैं, वहां पर भी बांसुरी स्वराज पहुंचने वाली है, क्या आपके पास इसको लेकर जानकारी है? देखिए, संगम कॉलोनी है ये पांडव नगर की और यहाँ पर सुबह से ही लोगों की इसी तरह से भीड़ लग जाती है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ लोगों का ये कहना है कि रोज इन्हें पानी टैंकर पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन ये अक्सर इंतजार करते रहते हैं। ये कुछ पाइपलाइनें यहाँ से हम जाते हुए जरूर देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब कहा जा रहा है कि इससे जो पानी सप्लाई मिलता भी है इन्हें, ये पीने लायक नहीं होता है और इसीलिए इन्हें पीने का पानी खरीदना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसी तरह की दिक्कत भी बता रहे हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? ये क्या दिक्कत होती है यहाँ पानी की? पानी की ज्यादा दिक्कत होती है, पानी पीठा पानी नहीं आता, खड़ा पानी आता है सर। अच्छा जी, तो पीने के पानी की क्या व्यवस्था होती है? पीने के पहले टैंकर आता है सर, टैंकर का भी कालो आता है, अभी हम फिलहाल 2-4 दिन से नहीं आ रहा है। ये 4 दिन से इनके यहाँ टैंकर ही नहीं आया, सोचिए कि अब क्या हाल हो रहा होगा। और जिस तरह से लोग, आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ सर। क्या पानी की आपूर्ति का क्या हाल है? ज्यादा बेकार है सर, जो ऐसे कि 5 दिन से जो टैंकर नहीं आया, जो ऐसे खरीद के नमक का पानी यहाँ है, खरीद के पानी हम लोग पीते हैं, गरीब आदमी कहाँ से हम चलेंगे। ये एक बड़ी दिक्कत है लोगों की। महिलाओं को कोई खास दिक्कत होती है पानी इसी मौसम में या 12 महीने कोई दिक्कत है? 12 महीना दिक्कत है सिर्फ, पानी के सब दिन दिक्कत है। तो टैंकर आता है, हर दिन आता है, पूरा पानी मिलता है आपको? नहीं नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, टैंकर नहीं भी कभी मिलता है कभी नहीं भी। जी जी, आप कुछ कह रही हैं, क्या दिक्कत है? सर मैं कह रही हूँ, हमारा जो शरीर है, शरीर में इतनी खुजली होती है, पानी इतना खा रहा था, रात को भर देते हैं, सुबह ऐसा नमक जैसा पानी होता है और ये पैर है जो ये बिल्कुल कट चुका, हाथ है जो इससे पानी से बिल्कुल कट चुका है हमारा। तो ये क्या क्या डॉक्टर्स को आपने दिखाया कि जो पानी सप्लाई है उसी से दिक्कत है, ऐसा उन्होंने दिक्कत है? डॉक्टर ने बताया ये पानी है जो आपका, ये एलर्जी आपके शरीर के अंदर कर, ये सूट नहीं कर रहा हमारे लिए, पीते है ना अंदर भी जलन। पीने के पानी के लिए फिर क्या व्यवस्था आप लोग कर पाते हैं? टैंकर आता सर, इसमें भी खरीद के पीते हैं, टैंकर मारा मार होती है इसपे भी। जी जी, क्या बता रहे हैं आप, टैंकर की कोई दिक्कत है? टैंकर आता है 2-3 दिन आता है, फिर 4-5 दिन नहीं, हफ्ते भर नहीं आता, 10 दिन नहीं आता, ये ड्रामा है, फिर खरीद खरीद के पीना पड़ता है, 33 रुपए की पानी की बोतल इमरजेंसी चलती है। तो टैंकर आपको अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो इसकी कहीं शिकायत की कि हमको ज्यादा जरूरत है? और क्या करो, टैंकर वाले को बोलते हैं तो टैंकर वाला कहता है आगे अपील करो, आगे अपील कहाँ से करे। अच्छा, ये नगर निगम में ये बात आपने पहुँचाई है? अरे कहाँ पूछाए, कोई आगे खड़ा होगा जब तो पूछाए। तो कोई नेता है जो लोकल आकर के देखते हैं? कोई भी नहीं आता, खाली इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग करने आते हैं और कोई नहीं आता जब आते हैं। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? करवा देंगे सर, हमारे वहाँ जाके देखो, अभी सलवार भी नहीं उतारा ही थी, इतना पानी भर रहा है नाली में, जाके देखो। नहीं, पीने की पानी की जो दिक्कत है बोल रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए टैंकर आपको रोज मिल पाता है? सर टैंकर नहीं आता, पर लेकिन कोई ऐसा लाचारा का डब्बा उठा नहीं सकता, वो बेचारा भूखा प्यासा ही मरेगा, कम से कम ना पानी आए ना इधर, जब तो कहेंगे हम वोट दे दो, हम तुम्हारे घर मीठा पानी पहुंचा देंगे, पाइप डलवा देंगे, और कुछ भी नहीं है, कोई नहीं सुनता। तो यहाँ कितने दिनों में टैंकर आ पा रहा है? डब्बे उठा कर जा रहे हम कोठियों में पानी लेने के लिए, कोठियों में जा रहे 2 डब्बे। ठीक है प्रशांत, यानी कि टैंकर का तो सहारा है लेकिन टैंकर भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, लोग बता रहे हैं। आप बने रहिएगा, संजय गांधी बस्ती से इस वक्त संदीप बोल भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आपके पास वहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं? संदीप लवीना, बिल्कुल देखिए, काफी दिक्कत है लेकिन अभी एक टैंकर जरूर आया था यहाँ पे, जितने लोग पानी ले सके ले पाए, उसके बाद अब दूसरे टैंकर का इंतजार है। लेकिन यहाँ पे एक नल भी है जिसके जरिए पानी लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे हुई हुई है। आप बताइए कि ये पानी पीने वाला पानी है और क्या इतना ही भीड़ लगता है यहाँ पे? पीने का भी है, नहाते भी इससे। हाँ जी, और जो हमारे बीच में पानी की ज्यादा समस्या है, अंदर अंदरी साइड में, बाहर तो ठीक है, टैंकर भी मिल जाते हैं। अच्छा, आप अंदर से आते हैं? अंदर की तरफ से बहुत अंदर है, वहाँ तो
थोड़ी सी गली है, हाँ। पानी की सप्लाई है नहीं अंदर। यहाँ कितने कब तक पानी की सप्लाई रहती है यहाँ पे? 10-11 बजे तक रहेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, शाम को चलेगा। शाम को चलेगा। पानी आपको टैंकर से नहीं मिल पाया? नहीं, टैंकर से ही मिल जाता है, पर इतना नहीं मिल पाता, इससे ज़्यादा मिल जाता है। देखिए लवीना, टैंकर से नहीं मिल पाता है, यहाँ पे भी पानी बहुत, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पानी का प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं है। हज़ारों लोग यहाँ पे रहते हैं संजय गांधी बस्ती में, और अभी एक टैंकर गया है, उस टैंकर ने काफ़ी हद तक लोगों को राहत ज़रूर दी है, लेकिन जो इस रोड के इर्द गिर्द आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत राहत ज़रूर है, क्योंकि टैंकर आ जाता है और ये नल भी है जिसकी वजह से उनको पानी मिल जाता है। लेकिन जैसे ही इस रोड के अंदर की तरफ दूर तक देखेंगे तो वहाँ पे हालात ऐसे ही हैं, उन लोगों को यहाँ मेन रोड तक आना पड़ता है पानी के लिए, तो ये एक विडंबना होगी, ये विडंबना ही कहेंगे इसको कि दिल्ली जैसे शहर में अगर इस तरह की बुनियादी आवश्यकता है संदीप, और इसी से इस वक्त लोग अछूते हैं, उन्हें पानी मिल नहीं पा रहा है, और इसीलिए आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इसी तरह अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने वाली है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, न्यूज 18 इंडिया की नजर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने बड़ा आरोप लगा दिया है, और आरोप यह है कि दिल्ली सरकार हिंदू इलाकों का पानी कर मुस्लिम इलाकों में सप्लाई कर रही है, और इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार कर दिया है। धर्म के आधार पे पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोक कर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है हिंदू इलाकों का पानी रोक कर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। भीषण संकट और भीषण गर्मी के बीच अगर कोई आदमी इस तरह की राजनीति करने का अवसर ढूंढता है तो या तो वो राजनीतिक धूर्त है या मूर्ख है। दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि कौन समाधान की भाषा में बात कर रहा है, कौन सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कर रहा है, और कौन जो है इस आपदा को अपने राजनीतिक अवसर के तौर पर इस्तेमाल करने की। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को पानी के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों सरकार जिम्मेदार हैं, सेंटर भी उतनी जिम्मेदार है जितनी दिल्ली सरकार तो है, जिनका ये डिपार्टमेंट था बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। दरअसल कोई प्लानिंग नहीं है और उसकी सफाई के लिए या उसकी प्लानिंग के बारे में दिल्ली वालों को कुछ मालूम नहीं। आप 10 साल से सरकार में हैं तो आपने क्या ऐसा रूट मैप बनाया? हर साल ये किल्लत आती है, कितने MGD पानी दिल्ली वालों को पीक आवर में चाहिए इसका संज्ञान होना चाहिए और उस पर बहस होकर काम होना चाहिए था। आज तक कोई नए ट्रीटमेंट प्लांट आपके नहीं बने। और इसी पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के दक्षिण दिल्ली की मेन पाइपलाइन में छेद करने के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में पाइपलाइन को चेक किया है। आपको बता दें छानबीन के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि पाइप में कोई भी लीकेज नहीं है। आज 10 साल हो गए हैं दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव, भीड़ का निशाना बना दफ्तर, जल बोर्ड ऑफिस के शीशे टूटे। दिल्ली में बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई। ये मटका नहीं गुस्सा फूट रहा है। प्यासी तड़पती और त्राही त्राही करती दिल्ली की आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है क्योंकि पानी के लिए दिल्ली में टैंकर युद्ध शुरू हो चुका है। दिल्ली का कंठ इस कदर सूख चुका है कि लोग दहाड़ मार रहे हैं, सरकार से गुहार लगाने के लिए भारी दोपहरी में कहीं मटके फोड़े जा रहे हैं तो कहीं खाली बाल्टियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और चौंकाने वाली बात, ये तस्वीरें राजधानी के एक दो इलाके की नहीं बल्कि कई हिस्से की हैं। दिल्ली में पानी की मारामारी ऐसी है कि टैंकर आता नहीं कि खाली हो जाता है।
लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं क्योंकि जरा सी भी देर हुई तो नहाना तो दूर, पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला, चिल्ला गांव, और यही वजह है कि टैंकर के पहुंचते ही पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। घंटों इंतजार और मशक्कत के बाद लोगों को बाल्टी भर पानी नसीब होता है। दिल्ली के गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला और चिल्ला गांव से जो तस्वीरें आईं, उसने दिल्ली के जल संकट के व्यापक होने का खौफ पैदा कर दिया है। देखिए अभी अभी टैंकर पहुंचा है और जरा विजुअल के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह की स्थिति यहां पर बनती है। ये संजय कैंप का इलाका है, संजय कैंप चाणक्यपुरी में बना हुआ है। यहां झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं और यहां जब पानी का टैंकर पहुंचता है तो ये हालात यहां पर पैदा हो जाते हैं। आप देखिए टैंकर पहुंचने से पहले ही टैंकर के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, अपना पाइप डालते हैं और अपने अपने हिस्से का पानी यहाँ से निकालने की जद्दोजहद और मशक्कत शुरू हो जाती है। सरकारों के पास भी दिल्ली के लोगों की ये तस्वीर पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग तो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने में व्यस्त हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, चार चार पांच पांच सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के आरोपों का जवाब दिया दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, किस मुंह से वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है, किस मुंह से वो बाकी प्रदेशों पे, हरियाणा पे दोषारोपण करती है। खुद उनकी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। अगर इन्होंने समय रहते दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत कर दी होती, इलीगल टैंकर माफिया में नियंत्रण कर लिया होता तो दिल्ली आज फूट फूट के लिए तरस नहीं रही। धूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है जिसमें 76 छेद है। ये सारी समस्या टैंकर माफियाओं को कौन फला फुला रहा है? पहले कांग्रेस फलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फला फुला रही है। हरियाणा से यूपी से अगर पानी बढ़ाकर नहीं दिया जाता तो इनके टैंकरों को भी पानी नहीं मिलती, मगर ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते हैं।